हेलो मेघा, वेलकम टू लहरे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ क्योंकि मेरा भाई जिस तरीके का खेल रहा है घर के अंदर, एक प्राउड सिस्टर की तरह। जैसे कि आपने कहा कि आप एक प्राउड सिस्टर है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपके जो भाई हैं शिव, उनकी क्वालिटीज बताइए। जो एक अच्छी क्वालिटीज होती है भाई के अंदर, वो क्वालिटीज बताइए। ही इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट हार्टेड एंड अ काइंड हार्टेड पर्सन। बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्क से यहाँ तक पहुँचा है। वो ही हैज दैट गिविंग पर्सनैलिटी जो अपनी तरफ से लोगों को दे सकता है, किसी का कुछ छीन नहीं सकता, उसमें वो देने वाली क्वालिटीज है। इज वेरी गिविंग, एक्सट्रीमली काइंड एंड वेरी जेन्युइन। एट द सेम टाइम इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। जी, जैसे कि मेघा आप खुद बिग बॉस मराठी सीजन फर्स्ट की विनर हैं और शिव भी बिग बॉस मराठी के विनर हैं, तो यहाँ इस बार बिग बॉस हिंदी के सीजन में ये नए सीजन में 16 सीजन में जाने से पहले आपने शिव को क्या टिप्स दिए कि उन्हें घर में क्या करना है? अरे वो खुद एक विनर रह चुका है, उसे क्या टिप्स दूंगी मैं। उसकी अपनी अलग से क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचा है। वो अपने तरीके की गेम खेल के, अपने तरीके का अपने आप को प्रूफ करके फिर वो वहाँ पहुँचा है। तो एज सच सजेशंस शो में जाते वक्त कुछ नहीं था, बट शो में जाने से पहले था मेरा सजेशन उसे कि जाओगे तो एज अ फ्रेश कंटेस्टेंट जाना, ढूंढो एज अ वाइल्ड कार्ड, जो कि उसने सुना एंड जिसका नतीजा हम देख रहे थे। वन से एकदम दस जमा के धाक जमा के अपना राजा एकदम अच्छे से गेम खेल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, जैसे कि घर में देखा है, आपने देखा होगा एपिसोड्स में शिव के साथ जो लोग ग्रुप में नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है वो लोग शिव के साथ सच में दिल से हैं या फिर कुछ माइंड गेम है वो उनका? शुरू में हो सकता है ये समझ के आए हो कि अरे ये विनर है, जो कि साजिद सर ने कहा भी था कि जब आप ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हो तो आप उसके गोल्ड मेडलिस्ट के साथ अगर आप रहो तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो शुरू में हो सकता है कि उस तरीके से आए हो, बट आफ्टर यू नो एक सर्टन टाइम के बाद दिख जाता है यार कि दोस्ती जेन्युइन है। हम पूरी थोड़ी सी हिल गई थी बीच में, स्टैन थोड़ा सा हिल गया था, बट स्टैन तो फिर भी स्टैन की घर वापसी तो हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट उसकी घर में अब्दू के साथ जो दोस्ती है वो सबसे ज़्यादा जेन्युइन मुझे। और जैसे कि अभी पिछले कई एपिसोड्स में देखा गया शिव और अर्चना के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई पर आपका क्या रिएक्शन है? लड़ाई होना कोई बुरी बात नहीं है, बट किसी पे हाथ उठाना बहुत गलत है। बिकॉज के मेजर रूल्स में से नंबर वन रूल अगर कोई है तो ये कि आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, और अगर आपने हाथ उठाया है तो आपको निष्कासित किया जाएगा। दिस इज अ यू नो इट्स अ थंब रूल ऑफ बिग बॉस हाउस। और अगर उसके बावजूद अगर वो वापस आई है अर्चना, जो मैंने सुना हालांकि एपिसोड अभी देखा नहीं है, अगर आई है तो हो सकता है शायद शिव ने ही उसे माफ कर दिया हो, जो कि शिव से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। शिव दिल में ग्रजेस रखने वाला नहीं है, हो सकता है गुस्से में उसने कहा भी हो बिग बॉस से कि इसे घर से निकालो। शिव के साइड से ही सारे लोग थे, इसी बात से प्रूव होता है कि पूरे झगड़े में कौन गलत था कौन सही था। शिव के साइड से हर किसी ने बात की और कहा कि अर्चना को निष्कासित करना चाहिए, पर अगर शिव माफ करता है तो हम क्या बोलेंगे। जी, जैसे कि किचन में भी खाने पीने को लेकर लड़ाई हुई है काफी, और तो शिव भी खाने पीने में काफी मतलब चीजें जो है उनकी खाने पीने की बहुत सोच समझ के वो खाते पीने हैं, और वो वेजिटेरियन भी हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मतलब घर के बाहर भी वो इतना ही खाना पीना था उनका, या फिर वो खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? शिव को खाने के साथ बहुत कर ही रहा है ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइज, प्लस वो वेजिटेरियन है और हमने ये भी देखा है कि वो हमेशा अपने हिस्से का राशन बांटता है लोगों में। हाँ, बट वो राशन बांटने के बाद अगर सामने वाला फिर भी उसको एटीट्यूड दिखाए तो उसको पूरा हक है कि वो उसका राशन ना शेयर करे। पर फिर भी शिव इज नॉट अ पर्सन कि वो किसी से कुछ छीने। मैंने जैसे कहा सबसे पहले उसकी क्वालिटी जो बताई, ही इज वेरी गिविंग, वो कभी किसी का छीन नहीं सकता, दे सकता है।
घर में मास्टर पूरा सीजन ही राशन के ऊपर चल रहा है, काम साप्ताहिक कार्य देख रहे हैं, लग्जरी बजट कार्य देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान मतलब बेडरूम इन्हीं पे सारा खेल चल रहा है। सो जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। घर में आप मास्टर माइंड के रूप में किसे देख रहे हो? मास्टर माइंड उसे कहा जाता है जो जो अपने ब्रेन से भी काम ले अच्छे तरीके से। सो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर सही दिमाग से कोई खेल रहा है और सही एटीट्यूड से और सही एक स्पिरिट से अगर कोई खेल रहा है तो मैं वो कहूँगी शिव है। और सिर्फ मास्टर माइंड इन द सेंस जो सिर्फ जिसके दिमाग में खुरापत चलती है मैं उसे मास्टर माइंड नहीं कहती हूँ, उसे मैं क्या कहूँगी, उसे क्रूकेड माइंड कहूँगी। बट अगर मेरे हिसाब से मास्टर माइंड वो है जो शातिर हो, खुद भी आगे बढ़े और अपने साथ वालों के साथ लेके चले। जी, सो लास्ट क्वेश्चन, शिव के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? और कि शिव ने हमेशा वो आपके भरोसे पे और आपके उम्मीदों पे खरा उतरा है, हमेशा उसने अपने हिस्से का बेस्ट किया है। डे वन से उस शो में जितना सिंसियरली और सीरियसली शिव खेल रहा है उतना कोई भी नहीं खेल रहा है। सो मैं यही सोचती हूँ कि इस वक्त अगर उस घर में सबसे डिजर्विंग कंटेस्टेंट कोई है तो दैट इज शिव। वो अपने हिस्से का कर रहा है, अपने हिस्से की मेहनत वो कर रहा है। आप भी प्लीज उसे आशीर्वाद में और प्यार के तौर पे ढेर सारे वोट दीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए और जेन्युइनली मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट शिव इज अ वेरी वेरी जेन्युइन गाय। उसका दिल सोने का है, अभी तो सिर्फ आपने 40 दिन उसे देखा है, आगे के 100 दिनों में आप शिव में वो क्वालिटीज देखेंगे जिसके आप भी खुद कायल हो जाएंगे और फैंस हो जाएंगे। सो मैं बस यही कहूँगी कि उसे ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच मेघा जी लहरे के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।